क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आपका 21 मार्च के दिन पेपर है, ठीक है। तो जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा ना, उसके लिए मैं पूरी तैयारी करा रहा हूं बेटा। मॉडल पेपर आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिस पेपर करा रहा हूं, पूरे IMP क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए। उसी श्रृंखला में आइए, साम्राज्य की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी थी? तो देखिए, लैटिन इसकी राजकीय भाषा थी। पेपायरस क्या है? एक तरह का पौधा है, ठीक है। चंगेज खान के का प्रारंभिक मूल नाम जो था वो था तेमुजीन। कैथेड्रल किस देश का नगर है? तो इंग्लैंड, इटली, अमेरिका, फ्रांस। तो फ्रांस इसका एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था ना, वो किया था रोजर बेकन ने। नॉन किंग की संधि हुई थी तो 1842 ईस्वी में हुई थी। और यहां से देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबिल पुस्तक का एक भाग है। किसका है? बाइबिल। रोम आधुनिक इटली देश में स्थित है, इसमें इटली में। मंगोल यायावरी और समाज से संबंधित है, सर्प समाज से संबंधित बातें है ये। और यहाँ पर कृषकों का था आ जाएगा। और द लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार कौन थे? तो माइकल एन जीलो आ जाएगा। और सोगुन चीन का जो शासक था वो 188 ईस्वी में था, ठीक है। भरोसा रखो, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। देखिए, बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सीरियल वाइज सीरियल पढ़ेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, असुर बनीपाल जो है, इसका मिलान आपका, असुर बनीपाल का मिलान होगा आपका असीरिया से, ठीक है। दूसरा है आपका, यहाँ पर देखिए, सीनेका का आपका हो जाएगा ये रोमन दार्शनिक, ठीक है भैया। यास का रहेगा आपका चंगेज खान की विधि संहिता। क्या है? चंगेज खान की विधि संहिता। तो देखो, आप क्या करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ये। यहाँ से देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लिया जोड़ी का आपने इतना, इसके बाद में अपन, क्योंकि उत्तर आपको समझ में जाएगा ना, ये यहाँ से आपको इतना स्क्रीनशॉट लेना है, कर सकते हैं आराम से इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला है आपका, मेसोपोटामिया में हेगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? नेबुजा रेजार ने। पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी? पेपायरस। मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? मोंक के नाम से जाना जाता था। होप्पी किस प्रकार का समुदाय था? आदिवासी समुदाय। हपिम युद्ध का संबंध किस देश से है? चीन से। पहला अफीम युद्ध कब हुआ? 1840 ईस्वी में। रिपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। और सत्य सत्य की बात अपन करें तो देखो, यहाँ पर मैंने पूरी चीज़ें भर दी है, यहाँ से देख लीजिएगा आप। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता की कोई दो विशेषताएं बताइए। चलिए यहाँ से अपन बढ़िया से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से अपना है ना, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं लिखनी है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला का आविष्कार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यहाँ पर मिटा दिया है, उसको आपको करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्मुराबी विधि संहिता की विशेषताएं लिखिए, तो ये यहाँ से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेसोपोटामिया लेखन क्या है, और मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला के विकास को समझाइए। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को बिल्कुल कठिनाई ना हो। आपकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि पेपर के साथ में ना आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, IMP चीज़ों का, तो आप आराम से कवर कर पाओगे। हर बच्चा जानता है, ठीक है, कि ये कोई रियल पेपर नहीं है, लेकिन हाँ, इतने इम्पोर्टेंट है, इतना दावा आपसे करता हूँ कि इन बच्चों की तरह यदि आपको वास्तव में परसेंटेज बनानी है, तो मैं जो बता रहा हूँ ना, उनको एक बार आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा आपस परीक्षा हॉल में जाने से पहले। अब जिनको भरोसा है वो कर लो, जिनको नहीं है उनको तो देखिए आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, उनको तो रियली चाहिएगा ना,
ठीक है, अब ले लो भैया कहीं मिल रहा हो तो, मेरे पास तो नहीं है, ये तो है ना अभी। चलिए इसको ज़रूर देख के जाना, जिन बच्चों को वास्तव में अच्छा पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने हैं। ये आपका प्रिंसिपेट के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का थवा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, चंगेज खान कौन था, हो गया। यहाँ से यास के विषय में आप क्या जानते हैं, यहाँ पर हो गया, इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये सामान्त का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कोई दो विशेषताएं आपको बतानी है, ये यहाँ पर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका, ये यहाँ से 10 का थवा है, मोनेस्ट्री शब्द का अर्थ बताइए, तुर्कों के कुस्तनियों पर क्यों और कब अधिकार किया, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से अथवा देख सकते हैं, ये है ना भैया। आगे बढ़ते हैं, पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। और क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, थोड़ा सा ये, ताकि आपको सारी चीज़ें, इतना ही बहुत है, इतना ही लिखना है इसमें, और छोटा भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक याद कर लेना बस, ये है ना, जहाँ तक छोटा करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, इतना है ना। नेटिव शब्द का अर्थ समझाना है, देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखो, सत्र देखो उसका, 20/22/2023 है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। सेटलर शब्द से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, हो गया इतना। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे, ये 14वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ये 14 का थवा है। गोल्ड रेयर रस क्या था, क्वेश्चन 15 है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप। पुनर्जागरण, सॉरी ये यहाँ से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का थवा है ये। मेजी की पुनर्व्यवस्था से आप क्या तात्पर्य है, कितना हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा कर दूँ क्या, ये हो गया, कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करें, थोड़ा सा छोटा करते हैं और ये यहाँ पर आ जाएगा, इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 का थवा ये यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर ये 17, क्वेश्चन नंबर 17 का थवा यहां से हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आ जाएगा, ये देखो है ना, यहां पर हो गया इतना। इसके बाद में आप ये यहां से करना है ना भैया। चलिए इसके बाद में यहां पर है ये क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। जापान में मेजी काल की प्रमुख उपलब्धियां की विवेचना करनी है, हो गया इतना। तीन बहुत है, तीन पॉइंट अब करोगे तो चलेगा, है ना भैया। इसके बाद में ये आपका इसका थवा है ये, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 4 हो गई है, हो गया थोड़ा सा, और इसका बारे में ये यहाँ से 4th और 5 लिख लेना, लिख लोगे।